फार्मा में एक अच्छी लॉन्ग बनते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, और फार्मा के साथ साथ आईटी में नंबर्स के बीच में या नंबर्स के बाद खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। WPI के नंबर जो कि आ गए हैं महंगाई के करीब 0.26% से बढ़ के 0.73%, ये WPI का नंबर आया है, और फूड इन्फ्लेशन 5.39% है, 4.69% के सामने मंथ ऑन मंथ बेसिस पे स्लाइटली बढ़त आते हुए दिखाई पड़ी है, और ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है वहाँ पर भी बढ़त है। हालांकि जो ओवरऑल ऑल कमोडिटीज़ हैं वहाँ पर मंथ टू मंथ बेसिस पे करीब 1% के आसपास का डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन फ्यूल एंड पावर इन्फ्लेशन -2.41% आया जो कि -4.61% था। तो फ्यूल पावर का इन्फ्लेशन स्लाइटली बढ़ा, लेकिन अदरवाइज जो इन्फ्लेशन है वो अनुमान भी बता लगाकर चल रहा था कि थोड़ा सा बढ़कर आ सकता है। हालांकि विंटर क्रॉप्स का इम्पैक्ट जो है वो अगले मंथ से आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, तो वहाँ थोड़ा स्टेबलाइज होगा, लेकिन एज ऑफ नाउ इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हैं वो आप फ्लैट साइड पर ही मानकर चल सकते हैं थोड़ा सा बढ़त के साथ। अब आशीष जी से बातचीत कर लेते हैं। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक टेक चाहूँगा। फर्स्ट हाफ की तेज़ी आईटी के नाम थी, थोड़ी सी ड्राइवर चेंज हुए, लेकिन रिलायंस पार्टिसिपेट कर रहा है और फार्मा अब आ चुका है फ्रंट फुट पे। सो कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को, अभी क्या करना चाहिए बाजार में? गुड आफ्टरनून सुमित जी, एग्जैक्टली जैसे आपने बताया, रिलायंस का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत हेल्दी रह रहा है निफ्टी के लिए, और जिस हिसाब से निफ्टी वापस नए फ्रेश हाइज बना रहा है, आई थिंक रिलायंस हैज बीन एक की कॉन्ट्रीब्यूटर इसमें। आज आईटी में भी एक अच्छा टिक देखने मिल रहा है, जरूर ऊपर के लेवल से जरूर एक सेलिंग देखने मिली है, बट ओवरऑल आईटी में स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है और जिस हिसाब से पॉजिटिव बना हुआ है वो काफी इंप्रेसिव है। हमें लग रहा है कि फ्रेश लॉन्ग इन लेवल्स पे निफ्टी में करने के लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, बट जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे, सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके ऊपर ले आए, 21,890 के करीब का एक एसएल मेंटेन रखे, इसमें हमें लग रहा है निफ्टी में जो है वो 22,200 के बियॉन्ड के लेवल से इन्हें जल्द देखने मिल सकते हैं। जिस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है निफ्टी का वो काफी इंप्रेसिव है। समझिए अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी के पास रिलायंस और आईटी जैसा एक सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बेस्ट पार्ट ये है कि आज HDFC और कोटक में थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है, तो दैट इज वेरी पॉजिटिव। बैंक निफ्टी भी अपने 20 डे मार्ज रीगेन करते हुए देखने मिला है, तो बैंक निफ्टी में इन लेवल्स पे फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 47,890 के करीब का एक एसएल मेंटेन करें, हमें लगता है बैंक निफ्टी में 48,500 तक का जोन देखने मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी को सपोर्ट कंपेरेटिवली निफ्टी कम है, क्योंकि बात सही है कि बैंक निफ्टी में आज HDFC बैंक खाली पार्टिसिपेट कर रहा है, HDFC बैंक को अगर प्ले कर रही है वहाँ पर फिर भी पार्टिसिपेशन है, लेकिन ऊपर के लेवल पे सप्लाईज वहाँ भी आ रही हैं। 48,500 के टारगेट्स के लिए बैंक निफ्टी को देखेंगे, 47,890 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और निफ्टी के केस में आउट परफॉर्मेंस थोड़ी ज़्यादा रही क्योंकि वहाँ पर रिलायंस है और वहाँ पर जो फार्मा है अब उसकी तरफ से कंट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं। तो 22,200 के टारगेट्स के लिए आप निफ्टी को लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। आशीष सर, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स कहां पर आप लॉन्ग हो, कहां कोई शॉर्ट भी है क्या? नहीं सुमित जी, शॉर्ट तो नहीं है बट लॉन्ग साइड में ही है, और थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन की सलाह रहेगी लॉन्ग साइड में भी। तो पहला जो स्टॉक है हमें अच्छा लग रहा है वो ICICI बैंक का है। स्टॉक ने लास्ट सेशन में अपना 20 डे में रीगेन किया था, और जो 1,000 का एक रेजिस्टेंस एरिया है उसके ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है। अभी तक एक रैली में बनी नहीं है, बट हमें लग रहा है कि एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी फेवरेबल है इन लेवल्स पे ICICI बैंक में लॉन्ग करना। तो 995 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। फॉर द फर्स्ट टारगेट जो है 1025 एंड 1035 के टारगेट्स के लिए। सुमित जी, दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो ल्यूपिन का है। जैसे आपने भी बताया कि फार्मा पूरा काउंटर पैक में आज बाइंग इंटरेस्ट बरकरार है, और ल्यूपिन 1400 का इसका जोन है वहां पे कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है पिछले 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन से, जो कि इसका 52 वीक हाई भी है। हमें लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है अब नया फ्रेश ब्रेकआउट देकर फ्रेश नई ट्रेजेक्टरी दिखाने के लिए। तो ल्यूपिन में भी खरीदारी की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1390 का एक एसएल मेंटेन करे, हमें लगता है 1450 का फर्स्ट टारगेट, 1465 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। सुमित जी, जो तीसरा स्टॉक है वो अभी थोड़ा सा बोलते बोलते भाग गया है, लेकिन हमें लग रहा है इन लेवल्स अभी शो में आते ही भाग गया है, UBL की मैं बात कर रहा हूँ, बट हमें लग रहा है कि इन लेवल्स पे भी उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉक ने अपना 20 डे मा पे बेस बनाकर अच्छा एक बाउंस दिया है आज, 0.25% अभी जरूर आप है, लेकिन खरीदारी की सलाह रहेगी UBL में। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1795 का एक एसएल मेंटेन करे,
हमें लगता है इसमें 1840 और 1860 तक के जोन देखने मिल सकते हैं।